सो हेले फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटेसी गुरु जी यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जो मैच खेला जाएगा बी यू एल वर्स टी आई जी का भी जो फ्रेंड्स मैच खेला जाएगा इसका मैं आप कूटलमेंट टीम देने वाला हूं तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलेकन को प्रेस नहीं करते बे लेकिन का भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले अपनी टीम क्रिएट कर पाए बात करते फ्रेंड्स इस मैच के वेन्यू की तो चीमा क्रिकेट ग्राउंड में यह मैच खेला जाएगा जहाँ की पीछे जो है ऑलमोस्ट बॉलिंग फ्रेंडली रहती है तो अगर आप अपनी टीम बना रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा फोकस जो है बॉलर के ऊपर कीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट होगा बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की तो एक सौ पैंतालीस के आसपास रहने वाला वही सेकंड इनिंग के एवरेज स्कोर की बात करें तो एक सौ छत्तीस के आसपास रहने वाला गाइस अगर आप लोग भी इस मैच में पैसे इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि की की देखिए फ्रेंड्स ये पहला मैच होता है ऐसे में थोड़ा लो ही इन्वेस्ट कीजिए और मैं आपको ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि आप ग्रैंड लीग ग्रैंडली खिले आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये फर्स्ट मैच है कौन से प्लेयर कब बैटिंग करेगा कौन से प्लेयर का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा ये ये कोई ठीक नहीं रहने वाला तो इस वजह से जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल लीग बिल्कुल ना खिले और ग्रैंड लीग ग्रैंडली की तो आपके लिए स्ट होगा क्योंकि फ्रेंड्स आज के मैच में जो है आपको ग्रैंड लीग विन करने का बहुत ही हाई चांसेस रहने वाला है बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे प्लेइंग इलेवन की तो फ्रेंड्स प्लेइंग इलेवन की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया गया है आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं इसमें से रिलेटिव कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट न्यूज़ कुछ भी आता है लास्ट टाइम पर तो आपको हमारे टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड किया जाएगा अगर फ्रेंड्स टेलीग्राम का लिंक वर्क नहीं करता तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है टेलीग्राम एप्लीकेशन पर आना है आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्स वाई जेड एट सिक्स सेवन जैसे फ्रेंड्स ये सर्च करेंगे तो आपका फैंटेसी गुरुजी का ऑफिशियल चैनल आपको दिख जाएगा जिसमें कि जो है ऑलरेडी तकरीबन सैंतीस सौ साठ मेम्बर के आसपास ज्वाइन है आप जाके जॉइन कर सकते हैं यहाँ पे आपको इसमें से रिलेटिव कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट न्यूज़ कुछ भी आता हो तो सबसे पहले आपको इसी ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाएगा तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए बात करते हैं फ्रेंड्स प्लेइंग एलेवन की तो देखिए पी यू एल की तरफ से आपको जो है बी रजीत ओपनिंग करते नजर आएंगे ऐसे परमिशन के साथ दोनों ही अच्छे प्लेयर दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं हालांकि अगर आप देखेंगे रिसेंट फॉर्म में तो यहाँ से बी रजीता जो है, है काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल चले और लगातार जो अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस भी करे तीन को अपनी टीम में ट्राई कर सकती है आपके लिए हो सकता है कि आज के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर दे वहीं नंबर तीन पर आपको जो है कि प्रवीन कुमार खेलते नजर आएंगे बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करते थे इस बात का आपको ध्यान रखना है तकरीबन आपको हर मैच में जो है एकाक ओर आपको बॉलिंग करते नजर आ जाएंगे एक दो बार आपको हर मैच में बॉलिंग करते नजर आएंगे साथ ही साथ बैटिंग की बात करें तो टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग करते नजर आएंगे प्लस बॉलिंग भी करके देंगे अगर ये बैटिंग से परफ्रेंस किसी मैच में नहीं भी कर पाए क्या पता फ्रेंड्स एक आठ विकेट ये बॉलिंग से ले ले तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप इनको अपनी टीम में जरूर से ट्राई कर लीजिए नंबर चार पर आपको जो है अश्रित रजी राजीव खेल तो नजरेंगे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो फिर डोमेस्टिक मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं लगभग अपनी टीम के जो सेकंड हाईएस्ट से स्कोरर रहे थे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है नंबर पाँच पे आपको जो है अक्षय जैन खेलते नजरेंगे ठीक ठाक प्लेयर फ्रेंड्स उतना कोई खास इनका परफर्फेंस हो नहीं रहे लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि लगभग लग लगभग लग ये भी जो है ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे क्योंकि फिर देखिए यहाँ की पीचेज़ बॉलिंग फ्रेंडली रहती है तो ऐसे में इनको हो सकता है कि बैटिंग मिलने का चा मतलब इनको जो है बैटिंग मिलने का चांस हो सकता है क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ से इनका टॉप ऑर्डर कॉल होता तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस यही करेंगे क्योंकि फिर देखिए मिडिल ऑर्डर के बहुत ही अच्छे प्लेयर रहते तो इस बात का आपको ध्यान रखना है नंबर छः पे आपको जो है टी खेलते नजरेंगे ठीक ठाक प्लेयर है उतना कोई खास इनका परफेमेंस नहीं लेकिन फ्रेंड्स प्लेइंग इलेवन में जरूर रहेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है नंबर आपको जो है वैना मोर्तुन खेलते नजरेंगे ठीक ठाक प्लेयर ये भी है हालांकि इनका बैटिंग थोड़ा लेट है लेकिन थोड़ा बहुत बॉलिंग भी कर देते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है वहीं नंबर आठ पे आपको जो है बी पर खेलते नजरेंगे ये भी एवरेज प्लेयर है अगर चाहे तो ट्राई कर सकते हैं नहीं तो आप अपनी टीम से अवॉइड भी कर सकते हैं वहीं नंबर नौ पर आपको जो है ए सी प्रतिबंध खेलते तो नजर आएंगे ये भी ठीक ही ठाक प्लेयर है उतना कोई खासा इनका भी परफेंस नहीं है क्योंकि फ्रेन देखिए डोमेस्टिक मैचेस में उतना कोई खासा परफेंस कर नहीं पाए हैं तकरीबन आठ मैचेस के लिए जिसमें कि ग्यारह विकेट निकाल पाए उतना खासा भी इनका परफर्ेंस नहीं रहा लेकिन लगभग हर मैच में विकेट निकाल लेते तो अगर आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं नंबर दस में आपको जो है मार्क मॉरिस खेलते हुए आएंगे चाहे तो ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स ठीक ठाक प्लेयर फ्रेंड्स लगभग हर मैच में जो है दो विकेट करके निकाल लेते हैं आठ मैच में पंद्रह विकेट निकाल के दिए तो ऐसे में आप चाहे तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं नंबर ग्यारह पे आपको जो है आदिल थंडा खेलते होना चाहेंगे एवरेज प्लेयर है अगर लीग वगैरह आप खेल रहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स क्योंकि डोमेस्टिक मैच में बिल्कुल भी इनका परफॉर्मेंस नहीं हुआ था लेकिन फ्रेंड्स प्लेयर बड़े तगड़े इनको जरूर से ट्राई कर लीजिएगा वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स टी की प्लेइंग इलेवन तो की तो देखिए टी की तरफ से आपको प्रशांत डोगरा ओपनिंग करते नजरेंगे ऐसे आनंद सुब्रमण के साथ दोनों ही अच्छे प्लेयर दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं वहीं नंबर तीन पर आपको जो है रघु पेंड खेलते तो नजरेंगे अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं ये भी ठीक ठाक प्लेयर फ्रेंड्स हालाँकि इनका मतलब परफॉर्म जो है किसी मैच में अच्छा होता है तो किसी मैच में थोड़ा परफॉर्म जो इनका डाउन हो जाता है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैप्टन को लेना चाहते हैं या फिर नहीं वहीं नंबर चार पर आपको जो है ये अशवंत खेल तो नजरेंगे ठीक ठाक प्लेयर फ्रेंड्स डोमेस्टिक मैचेस में तो ठीक ठाक किया लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहेगा ये कोई कंफर्म नहीं रहने वाले लेकिन फ्रेंड डोमेस्टिक मैच में ठीक परफॉर्मेंस किया तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं वही नंबर पाँच पे आपको जो है कामरेश्वरन खेलते तो नजर आएंगे नंबर छह की बात करें तो आप जो है संत मूर्तन को लेके जा सकते हो नंबर सात पे जो है आपको आर परमजा परमराज खेलते तो नजर आएंगे अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करते हैं तो अगर आप लेके जाना चाहते हो तो, तो लेके जा सकते हैं नंबर आठ पे आपको जो है इशाक निशा खेलता तो नजर आएंगे नंबर नौ की बात करें तो आप यहाँ से कार्तिक भी नायर को लेके जा सकते हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पेयर रहने वाले वहीं नंबर दस पे आपको जो है नितिन कुमार नितिन ठाकुर खेलता नजर आएंगे और नंबर ग्यारह पे आपको जो है अनिकूल कुंडा खेलते हुए नजर आएंगे तो फिर ये दोनों टीमों का प्लेइंग एलेवन रहने वाला है अगर आप अपने टीम बना रहे हैं तो इन्हीं बाईस प्लेयरों में से फिलहाल किसी ग्यारह को ट्राई कर सकते हैं तो अब चलते अपने ड्रिलमैन टीम की तरफ तो फिर ड्रिलमैन टीम की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे विकेट कीपर सेक्शन की तो देखिए फिलहाल ऐसे में जो है ए कुंडा को ट्राई करो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले अगर आप अपनी टीम बना रहे थे इनको ट्राई कर सकते हैं हालांकि देखिए आपके पास जो है ए रजा का भी ऑप्शन बचता है लेकिन फिलहाल ऐसे में ए रज़ा को ट्राई नहीं करो आपके पास बी रजिता का भी ऑप्शन बचता है लेकिन फिर देखिए बी रजिता को मैं इस वजह से नहीं ट्राई कराँ क्योंकि फिर देखिए इनसे काफ़ी बेटर प्लेयर जो है कुंडा रहने वाले इस वजह से जो मैं इनको अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ बाकी जो फिर बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ से जो है गोविंद राज को ट्राई कर सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले लगातार ये भी अपनी टीम के लिए लफॉर्मेंस किए हैं तो अगर आप इनको भी लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हैं साथ ही साथ आप इसे जो है पी डोगरा को ट्राई कर सकते हो लास्ट ऑप्शन की बात करें तो आप इसे टी सुग्राम को भी ट्राई कर सकते हैं बहुत बहुत से लोग जो है आज के मैच में चार वेस्टर को ट्राई करें लेकिन मैं आपको बता दूँगा तो इस ये पिचेज बिल्कुल भी बॉलिंग फ्रेंडली रहने वाली तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करूँगा कि आप ज़्यादा ऑलराउंडर के ऊपर डिपेंड करें तो आपके लिए बेस्ट हो क्योंकि फ्रेंड्स ये बॉलिंग भी करके देंगे प्लस बैटिंग भी करेंगे तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा ऑलराउंडर को अपनी टीम में ट्राई करें तो आप जो है अगर स्मॉल लीग भी खेलो तो आप अच्छा खासा विन कर सकते हैं बाकी अगर आप ऐसे चाहे तो सुब्रमण्यम को भी ट्राई कर सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स ये बॉलिंग नहीं कर रहे सिर्फ बैटिंग ही करते हैं क्या पता फ्रेंड्स आज के मैच में चले ना चले इस वजह से मैं बोल रहा कि आप इनको अपनी टीम से अवॉइड कर दें किसी भी बैट्समैन को अवॉइड कीजिए लेकिन फ्रेंड्स आप तीन ही बैट्समैन के साथ जाए तो आपके लिए बेस्ट होगा बाकी जो फ्रेंड बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ से की परवीन को लेके आ सकते हैं साथ ही साथ आप जो है एस प्रसन्ना को लेके आ सकते हैं लास्ट दो ऑप्शन की बात करें तो आप इसे ए कमलेश और यहाँ से एम आ, ए एम नारियन को ट्राई कर सकते हैं ये चार ऑलराउंडर आपके लिए बेस्ट है एनिबल आप इन चारों ऑलराउंडर को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो आप ए जैन और यहाँ से ए राजीव ये दो को ट्राई कर सकता है लास्ट सेक्शन तो की बात करें तो पी के वर्मा को भी ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं फिर देखिए यहाँ से मैं कमलेश को कैप्टन दे रहा हूँ वाइस कैप्टन यहाँ से परवीन को दे रहा हूँ दोनों में ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन दे रहा हूँ क्योंकि फिर दोनों ही टॉप ऑर्डर के प्लेयर है और दोनों ही जो लगभग आपको चार चार ओवर आपको बॉलिंग करते नजर आएंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है टीम प्रो की बात करते हैं तो फिर देख सकते हैं ये मेरा टीम प्रो है अगर आप इस टीम के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं नहीं तो आप थोड़ी बहुत टीम चेंजेस करके बना सकते हैं तो फिर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक तो के लिए फॉर च माई वीडियो